खास रन नहीं बना पाए लेग बिफोर विकेट, सात रन बनाकर एंड वी आर ऑल सेट। जस्ट अ थ्री स्टेप रन अप फॉर राजा। गुड फाइव स्टार रन लेने की कोशिश। शब्बीर अलवालिया केम इन, रन इन वेरी क्विकली फ्रॉम शॉर्ट कवर। और अगर इसी तरह से अपनी फील्डिंग को का दर्जा आगे बढ़ाएं मुंबई हीरोज तो फर्क पड़ सकता है। शॉर्ट थर्ड पे बड़ी आसानी से सिंगल स्टील किया विश्वा ने। वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल यंग मैन विश्वा। जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ता जा रहा है टी20 में खासतौर से, अगर नॉन स्ट्राइकर तेजी से स्टार्ट ले तो शॉर्ट थर्ड या शॉर्ट फाइन पर भी अगर जब बॉल जाती है तो डेंजर एंड होता है, स्ट्राइकिंग एंड, उस पर नॉन स्ट्राइकर 19 टाइम्स आउट ऑफ 20 पहुंच ही जाता है। सुधीर बाबू बॉलिंग राजा, अच्छी गेंद सीधी, इस पर भी एक सिंगल ले सकते थे क्योंकि मिड ऑफ काफी दूर था। आफ्ताब शिवदसानी उप कप्तान। सुधीर बाबू का यह दूसरा मैच, अब तक 26 रन बनाए उन्होंने नॉट आउट अगेंस्ट केरला स्ट्राइकर्स। अच्छा नॉक था वो, शॉट और पुल करके काफी रन बनाने चाहिए थे लेकिन शायद एक ही मिलेगा। लॉन्ग ऑन तेजी से आ गया है वरुण बड़ोला। आज बेहतरीन मौका है तेलुगु वॉरियर्स को बदला लेने का क्योंकि इन द डेजर्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट अब तक उन्होंने अपने सारे मैच मुंबई हीरोज के विरुद्ध हारे ही थे। फुलर लेंथ और इस बार जो पहले भी एक रन ले सकते थे नहीं लिया, इस बार लिया आसानी से। आफ्ताब की फील्डिंग पिकअप थ्रो ठीक था लेकिन सिंस ही इज डीप एट मिड ऑफ द रन वाज ऑलवेज देयर। शांत शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स के लिए, कोई बड़ा शॉट नहीं फिलहाल। आखिरी गेंद और राजा भरवानी का पहला ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर के बाद तेलुगु वॉरियर्स बिना कोई विकेट के 3 रन। सलमान खान के साथ सोनू मैदान पर फिलहाल नहीं है क्योंकि फील्डिंग करते करते पिछले साल पैर काफी बुरी तरह से टूट गया था, 3 जगह से हड्डी टूटी थी, लेकिन गुड टू सी हिम बैक ऑन एंड नाउ बॉबी देयर, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ सीक्रेट वेपन मुंबई हीरोज के लिए, रॉन्ग फुट बॉलिंग करते हैं बॉबी। अब तक सिर्फ एक ही विकेट लिया लेकिन सिर्फ 19 रन दिए थे पिछले मैच में और मैंने शायद उनको बॉबी बोला था 2-4 बार पहले इनिंग्स में। माफी चाहता हूँ सभी दर्शकों से, सुनने वालों से, सनी बोला था इनको लेकिन बॉबी 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 बॉबी। ऑलराइट इनफ नाउ, वेंकटेश शुड बी वेरी प्लीज विद व्हाट्स गोइंग ऑन। जो चीफ मैनेजर कोच मेंटोर चामुंडी बड़े खुश होंगे आज अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से, लेकिन रन भी बनाने हैं 128। बस थोड़ा सा ही लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, शायद पैड के हल्के से लगी थी इसलिए वाइड नहीं, लेकिन ये जो रॉन्ग फुट एक्शन है ये बॉबी का, ये काफी चकमा दे देता है बल्लेबाजों को। ये देखिए थोड़ा सा जो अगर हल्के से लगी होगी थाई पैड के तो लगी होगी लेकिन अंपायर को जरूर दिखा। अच्छी फील्डिंग अपूर्वा की लेकिन बॉल थोड़ा सा स्पिन था इसलिए ठीक तरह से पकड़ नहीं पाए। हमेशा स्क्वायर और विकेट शॉट्स लगते हैं तो स्पिन का बड़ा ध्यान देना पड़ता है बॉल का, बड़े बड़े खिलाड़ी चूक जाते हैं कभी। बॉबी देओल की ठीक गेंदबाजी, ऑलमोस्ट गई थी मिड ऑन के पास कैच के लिए, एक रन तो जरूर था। बॉबी देओल ने पिछली बार जब दुबई में मैच हुआ था मुंबई हीरोज का 3 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था,
तो उनसे उम्मीद तो जरूर रहेगी। बड़ी आसानी से सिंगल ले गया। अच्छा फुल फेस ऑफ द बैट। अगर क्लीन पिकअप होता राजा का तो रन आउट का चांस हो सकता था। पहला ओवर राजा का अच्छा रहा, सिर्फ 3 रन दिए। और इस ओवर में भी ये देखिए राजा की फील्डिंग काफी तेजी से गेंद गई थी मिड ऑन पर। नाइस क्वाइट एंड टू द ओवर। 2 गुड ओवर्स बाय मुंबई हीरोज। बॉबी देओल का भी पहले ओवर में सिर्फ उन्होंने 3 रन दिए और 2 ओवर के बाद तेलुगु वॉरियर्स 6 रन। तो मुंबई हीरोज 2 ओवर के बाद 11 रन पर थे, 1 विकेट जरूर खोया था। लेकिन तेलुगु वॉरियर्स को मालूम है कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से 128 रन बनाने हैं। हमारे सीसीएल के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडिया का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। राजा का दूसरा ओवर आफ्ताब, वेल डन। लगा था ऐसा कि शायद बॉल पर टाइम से नहीं पहुंच पाए आफ्ताब, लेकिन गिरते पड़ते उन्होंने अपनी बाईं तरफ अच्छी फील्डिंग की। Runs fingers across the ball, does राजा। बढ़िया फील्डिंग। अगर बॉल निकल जाती तो 4 रन के लिए जाती, क्योंकि लॉन्ग ऑफ उस वक्त नहीं था। अब आफ्ताब लॉन्ग ऑफ पर है। ओ, मिड विकेट के ऊपर से टीम का पहला चौका, तेलुगु वॉरियर्स का पहला चौका सुधीर बाबू ने लगाया।